ये हमारा हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें एक बार और बता देते हैं, हम आईपीएससी नेम हमें पढ़ना है। आईपीएससी नेम में हमें दो तरह के कंपाउंड मिलते हैं, एक में कॉम्प्लेक्स कैटायन हो, एक में कॉम्प्लेक्स एनायन हो। तो दोनों केस में नाम जो नेमिंग करते हैं वो अलग अलग तरीके से करते हैं। नेक्स्ट इसमें थ्योरी है, वार्नर्स थ्योरी है। वार्नर्स थ्योरी में हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी बैलेंसी के बारे में पढ़ते हैं। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिक बिहेवियर वगैरह देखते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड बैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बता पाया, उसको जानने के लिए हमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़नी होती है। ठीक है, अब एक एक इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी है। ये तो हमारा टॉपिक हो गया सब। इसके बाद का जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो लीगेंड है, लीगेंड। ठीक है, लीगेंड अब कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, लीगेंड बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एक तो हमारा सबसे पहला आ जाता है मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड। यूनिडेंटेड वो हो गए जो देने वाला डोनर लोन पेयर एक ही होता है, जैसे सी एल माइनस, बी आर माइनस, ठीक है, आई माइनस। ठीक है, सी एन भी है, सी एन जो है कि एम्बिडेंटेड लिगेंड में भी आता है। यहाँ पे डोनर एटम एक ही है, एक ही से जब लोन पेयर दिया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिडेंटेड कहते हैं। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत बोलो, रिप्लाई तुरंत दो। डाईडेंटेड, ठीक है, डाई मतलब डोनर एटम दो होना चाहिए, जैसे सी डबल ओ माइनस, सी डबल ओ माइनस, यह ऑक्सी लेट आए, ऑक्सीडेट आए। ठीक है, ये बाइडेंटेड हुआ। और इसके अलावा सी एच टू, सी एच टू, एन एच टू, एन एच टू, या आई होप इसका नाम सबको पता होगा, इसको ई एन से दिखाते हैं। एथिलीन डाइएमीन इसको बोलते हैं, एथिलीन डाइएमीन। ठीक है, इथाइलिन डाइमिन इसको कहते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है पॉलीडेंटेड लिगेंड, पॉलीडेंटेड लिगेंड, पॉली का मतलब हो गया मोर देन वन, मोर देन टू, देन टू डोनर एटम, पॉलीडेंटेड में ये होता है कि डोनर एटम की संख्या दो से ज़्यादा होती है। यहाँ पे डोनर कितने हैं, यहाँ पे डोनर टू है, यहाँ पे डोनर वन है, डोनर यहाँ पे वन है, यहाँ पे डोनर एक से ज़्यादा है। इसका सबसे पॉपुलर एग्जांपल पीडीपीए एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट, एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट, ये पॉलीडेंटेड लिगेंड हो गया। इसी पॉलीडेंटेड लिगेंड की कैटेगरी में ये भी आ जाता है ओ एक्स टू, ये है हमारा ओ एक्स टू। ठीक है, ओ एक्स टू, इसमें ई एन भी आ जाता है, ये हमारा ई एन है। इसके बाद आता है हमारा हेक्साडेंटेट, हेक्साडेंटेट। अगर स्पेसिफिक नेम से पूछा गया तो हेक्साडेंटेट, हेक्साडेंटेट में स्पेशली आएगा ई डी टी ए। ठीक है, इसके बाद आता है
एम्बीडेंटेड है, ठीक है। एम्बीडेंटेड का मतलब क्या हुआ, एनीवन एम्बीडेंटेड लिगेंड्स आर वर एम्बीडेंटेड लिगेंड। यस बेटा, but at a time one can donate, केवल एक ही डोनेट कर सकता है। डोनर एटम आर टू बट एट ए टाइम वन कैन डोनेट। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एग्जांपल के रूप में लेना चाहें तो एक हमारा एनओ टू हो गया, दूसरा हमारा सीएनबी हो सकता है सीएन माइनस, तीसरा हमारा यहाँ पे एससीएम भी हो सकता है, ठीक है, एससीएम माइनस। अब इसमें अगर कहीं आइसोसाइनाइड है तो एनसी भी हो सकता है, ठीक है, एनसी वाला बहुत कम आया है क्योंकि ये बहुत खतरनाक गैस बन जाती है। तो कम से कम ये तीन हैं जिसमें डोनर एटम तो टू हैं लेकिन एक बार में एक ही एटम डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा एवरीवन, इज इट क्लियर? ओके, एनी प्रॉब्लम? कोई किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकता है। ऐसा लगता है कि तुम लोग क्लास कर रहे हो, हमारे ऊपर एहसान हो रहा है, बार बार हम पूछें तुम लोग बेटा, तुम लोग अगर कहीं भी दिक्कत है तो पूछ सकते हो। एक बार फिर से बता सकते हैं, पॉलीडेंटेड यूनिडेंटेड का मतलब होगा केवल एक ही डोनर एटम होगा, डाइडेंटेड जहाँ पे दो देने वाले डोनर एटम है, यहाँ पे दोनों नाइट्रोजन देने वाले हैं, यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन देने वाले हैं, ठीक है, ये हो गया डाइडेंटेड हमारा हो गया, ठीक, यहाँ पे जो ये दोनों देने वाले हैं, ठीक। पॉलीडेंटेड में क्या होगा कि एक से बल्कि यहाँ दो की जगह पे एक लिखते हैं, मोर देन वन डोनर एटम अगर है तो वो पॉलीडेंटेड में आ जाएंगे। जैसे ये ओ एच टू माइनस यानी ऑक्सीडेट आए इथाइलिन डाइएथिल, और यहाँ पे एक आता है हेक्साडेंटेड, डोनर एटम जो है सिक्स है, EDTA में इथाइलिन डाइएथिल टेट्राएसिटेट। एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है, एम्बीडेंटेड में डोनर एटम टू होते हैं लेकिन एट ए टाइम वन डोनेट करता है, जैसे NO2 CN-SCN ये सभी जो है कि किस में आते हैं, एम्बीडेंटेड में आते हैं। इसके अलावा हमारे पास लिगेंड पॉजिटिव लिगेंड नेगेटिव लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड भी होता है, न्यूट्रल लिगेंड। अब ये लिगेंड यूनिडेंटेड बाइडेंटेड या एम्बीडेंटेड की कैटेगरी में आ सकते हैं, दे मे बी इन कैटेगरी ऑफ यूनिडेंटेड बाइडेंटेड या एम्बीडेंटेड लिगेंड और मे नॉट बी। सच है यहाँ पे पॉजिटिव में नाइट्रोसिन है NO+, ठीक है, नेगेटिव में हमारे हैलोजन्स हो जाएंगे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन,
आयोडीन, और न्यूट्रल में हमारा जो है कि NH3। अब इसमें निगेटिव में तो ये हो गया, पॉजिटिव में पॉजिटिव लिगेंड ये हो गया, और यहाँ पर न्यूट्रल हमारा H2O, ये सारे हमारे न्यूट्रल हो गए। तो हमने पॉजिटिव निगेटिव और न्यूट्रल लिगेंड्स के बारे में जान लिया, ठीक है। अब हम नेमिंग पे आ गए, आई होप ये समझ में आ गया होगा। कुछ एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास जो है कि पहली चीज तो ये है कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है दो तरह के हैं, कॉम्प्लेक्स कैटायनिक एंड एनायनिक, कैटायनिक एंड एनायनिक। कैटायनिक लिगेंड में हमारा क्या है कि सपोज यहाँ पे काउंटर आयन है, ये मेटल है, ये लिगेंड है कुछ एन नंबर में, ठीक है। तो सपोज कि हमारा अगर इधर कैटायन लगा हुआ है, तो ये उल्टा बता दिया मेरे को, यहाँ पे ये हमारा मेटल है, ये लिगेंड है कुछ एक्स अमाउंट में, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज या एन पॉजिटिव चार्ज आ गया, या ऐसा भी हो गया कि यहाँ मेटल है, ये लिक्विड है एक्स अमाउंट में, अब यहाँ इसके बाहर जो है कि कोई हैलोजन लगा हुआ है, तो भी ये हमारा क्या होगा, कैटायनिक लिगेंड होगा। कैटायनिक लिगेंड समझ आया, एवरीवन अंडरस्टैंड कैटायनिक लिगेंड। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स एनीवन, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कैटायनिक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स? हेलो, एम आई ऑडिबल? वेल यस सर, देन रिप्लाई फास्ट। ओके, रिप्लाई फास्ट, इफ आई एम ऑडिबल देन रिप्लाई फास्ट। ओके, दिस अब ये हो गया हमारा कैटायनिक लिगेंड हो गया, जिसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, और ये हमारा एनायनिक लिगेंड है, इसमें हमारा जो है कॉम्प्लेक्स के ऊपर यहाँ मेटल है, ये लिगेंड है एक्स अमाउंट में, और इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, एन एन इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, या ऐसा हो कि यहाँ पे वाई अमाउंट में कोई काउंटर आए ना, ठीक है, सी पर काउंटर है, ठीक है, सी फॉर काउंटर है, तो यहाँ पे कोई काउंटर आए एक्स अमाउंट वाई अमाउंट में लगा हो, यहाँ मेटल हो, यहाँ लिगेंड हो, ठीक है, लिगेंड हो एक्स अमाउंट में, तो भी ये हमारा एनायनिक लिगेंड है। अब एनायनिक लिगेंड में क्या होता है ये जानेंगे कि कैसे नेमिंग करते हैं एनायनिक के लिए और कैटायनिक के लिए। तो इसको आप जान लेते हैं। तो नेमिंग ऑफ कैटायनिक लिगेंड, नेमिंग ऑफ कैटायनिक लिगेंड, अरे कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे नेमिंग करते वक्त पहले नेम ऑफ लिगेंड लिखते हैं, फर्स्ट हमारा होता है नेम ऑफ लिगेंड अल्फाबेटिकल, नेम ऑफ लिगेंड अल्फाबेटिकली, फिर इसके बाद आता है नेम ऑफ मेटल, नेम ऑफ मेटल, ठीक है, एज सच, एज एज सच का मतलब जैसा है वैसे ही नाम, आयरन है तो आयरन, गोल्ड है तो गोल्ड, कॉपर है तो कॉपर,
कोई एडिशनल वर्ड वहाँ पे नहीं होगी। फिर यहाँ पे हमारा प्लस आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। अब हमारा ये कैटायनिक है तो यहाँ पे जो है कि इसके बाहर ऑक्सीडेशन नंबर के बाद, इसके बाद हम जो है कि लिखेंगे काउंटर आयन, नेम ऑफ काउंटर आयन, नेम ऑफ काउंटर आयन। अब काउंटर आयन का नाम लिखेंगे, चूंकि हम कैटायनिक लिगेंड की बात, कैटायनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, तो एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, एनआई 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 एनएस थ्री ओल सिक्स सिक्स और आपकी सी एल टू। अब इसकी नेमिंग अगर हमें करनी है तो क्या करेंगे, इसका नेमिंग कोई बताएगा, एनीवन, एनीवन बिल हु कैन रिप्लाई, नेमिंग ऑफ दिस कंपाउंड, एनीवन हाँ वेरी गुड, हेक्सामीन हेक्सामीन लिटिल क्लोराइड गुड, तो यहाँ से देगा हेक्सा डबल एम रहेगा एमीन निकिल, निकिल। अब इसके बाद किसी को क्लास ना हो, निकिल क्लोराइड लिखने से पहले यहाँ पे इसकी वो भी लिखेंगे ना, निकिल क्लोराइड लिखने से पहले यहाँ पर हमने लिखा ऑक्सीडेशन नंबर, रोमन रोमन गिनती में यहाँ पे हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, तो यहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो टू आएगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर टू आएगा, क्योंकि देखो ये है जीरो तो जितना माइनस उतना प्लस। अब इसके बाद लिखेंगे क्लोराइड, ठीक है, काउंटर आयन के लिए डाई ट्राई हेक्सा नहीं लिखा जाता है, केवल जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। तो आई होप ये समझ में आया होगा, एनीवन आई होप ये समझ में आ गया होगा, ओके। अब नेक्स्ट हमारा इसके बाद आता है, अगर नोट करना है तो नोट कर लो, नहीं क्लिक कर लो, चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब हमारे पास कैटायनिक के बाद एनायनिक, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स में काउंटर आयन इधर की ओर होता है। अब फिर यहाँ मेटल सेंटर मेटल होगा कि लिगेंड होगा और एक्स कोऑर्डिनेशन नंबर होगा इस तरह से। अगर इसको हम अलग करेंगे तो यहाँ पर हमारे काउंटर आयन, काउंटर आयन के ऊपर प्लस आएगा और हमारे कॉम्प्लेक्स के ऊपर माइनस आए, माइनस आ जाएगा, ठीक है, माइनस है। इसका नेमिंग कैसे करते हैं, नेम ऑफ, नेम ऑफ लिगेंड अल्फाबेटिकली, ठीक है, अल्फाबेटिकली लिखेंगे। अगर डेट सारे हैं तो, सिंगल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो नाम होगा वही लिखेंगे। देन इसके बाद हम लोग
इसके बाद लिगेंड का नाम, लिगेंड का नाम लिखने के बाद नेम ऑफ मेटल, नेम ऑफ मेटल, सेंट्रल मेटल, ठीक है। एंड विथ, एंड विथ एट, मेटल के नाम में लास्ट में एट जोड़ेंगे क्योंकि हमारा ये एनायनिक है। फिर यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। यहाँ पे लिगेंड के नाम से पहले काउंटर आयन का, काउंटर आयन का नाम लिखेंगे, नेम ऑफ काउंटर आयन, नेम ऑफ काउंटर आयन, ओके, काउंटर आयन का नाम पर लिखेंगे। अब जैसे कि हमारा यहाँ पे लिखा है के फोर एफ पी सी एन सिक्स सिक्स, अब इसका नाम क्या लिखेंगे, एनीवन कैन ट्राई, एनीवन कैन ट्राई, एनीवन कोई ट्राई नहीं करेगा, एनीवन ओके। चलो यहाँ पे लिखेंगे पोटेशियम, पोटेशियम हेक्सा, हेक्सा साइनो निकले, हेक्सा साइनो, फिर क्या होगा बोलो बोलो, हेक्सा साइनो, यहाँ पे देगा फेरेट, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर सिक्स माइनस फोर करेंगे तो टू आ जाएगा, ठीक है। हेक्सा साइनो फेरेट, कहीं कहीं साइनाइडो लिखा होगा, साइनाइडो तो लिख सकते हो, साइनाइडो नहीं लिख सकते हैं हमें, साइनाइडो एक्सा साइनाइडो पेरेट टू, पोटेशियम एक्सा साइनाइडो पेरेट टू। अब अगर यहाँ पे ये पोटेशियम ना लिखा होता और इसके ऊपर कोई प्लस चार्ज लिखा होता यहाँ पे, ठीक है, प्लस फोर मान लो माइनस फोर लिखा होता, तो उस कंडीशन में यहाँ से हम घटा करके लिख लेते और ऐसे कंडीशन में उसका नाम हो जाता आयन। अगर ये काउंटर आयन ना रहे, काउंटर आयन ना रहे तो इसके लास्ट में यहाँ पे आयन लिख दिया जाता है, ठीक है। तो अभी आयन की जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया कहने का मतलब है, ओके। तो ये हो गई हमारी नेमिंग। अब इसमें क्या है कि लिगेंड्स के नाम वगैरह बस दिक्कत होती है, कहाँ हमें साइनाइडो यूज़ करना है, कहाँ साइनाइडो यूज़ करना है, कहाँ नाइट्राइटे यूज़ करना है, ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। अभी हमारे पास टाइम कितना है, 6 मिनट है, बस 6 मिनट के अंदर हम क्या बता दें। कोई अगर किसी को कोई पॉइंट जानना है, आई हैव 6 मिनट, 6 मिनट में किसी को कुछ भी जानना हो तो पूछ सकता है, एनीवन। अब जैसे एक क्वेश्चन बस डिस्कस कर सकते हैं, अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है तो वेरी गुड। अगर क्वेश्चन है तो एन आई सी एल सिक्स, एन आई सी एल सॉरी फोर, एन आई सी एल फोर पावर में माइनस टू, माइनस टू इज पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक वाइल एन आई सी एल फोर वन, एन आई सी ओ फोर, सी ओ फोर इज
डाई मिनरल। क्यों जो है कि NiCl4 पैरामैग्नेटिक है और क्यों जो है कि CO4 डायमैग्नेटिक है? एनीवन।